नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। हाल ही में हमने एक रिपोर्ट बनाया था जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था, जो कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था अरुण विद्या को लेकर, जहां पे उन आप सब की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था कि जितने भी जो वेल टू डू फैमिली से नहीं है उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप दिया जाएगा, एग्जाम बोर्ड के लिए कह लीजिए या फिर सिविल सर्विसेज के लिए। तो अभी हम उनके साथ ही है, सीधे उनसे मिलेंगे, क्योंकि उनके तरफ से जो हमें लास्ट रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि उनका सबमिशन डेट वो पार हो चुका है। तो अभी कितने लोग ने सबमिट किया और कौन कौन से स्कॉलर्स जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उन्हें एडमिशन दिया जाएगा वो हम जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है और हम आपसे डिटेल जानना चाहेंगे कि कौन कौन कितने लोग ने सबमिट किया और क्या कब आप लोगों का कुछ एडवांस टेस्ट भी होने वाला था, क्वालिफाइंग टेस्ट, तो वो कब होगा वो डिटेल में बता दीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अरुणाचल टुडे फॉर कवरिंग दिस प्रोग्राम। सो मैं आपको फिर से ये बता दूँ कि हमारा जो अरुण विद्या स्कॉलरशिप अंडर द बैनर ऑफ आपसू एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ दोजी ताना तारा प्रेसिडेंट आपसू एंड चेयरमैन रितुम तालीज कम जनरल सेक्रेटरी आपसू। सो ये मुहिम जो हम लोग छेरा कुछ दिन लास्ट 18 सितंबर को हम लोग का एक मीटिंग बैठा था सबका साथ में, एंड देन आफ्टर उसके बाद हम लोग का फॉर्म सबमिशन का डेट हम लोग उसमें रखा था, एंड देन डेट फॉर्म सबमिशन का डेट तो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। सो राइट नाउ तो बहुत सा कुछ कुछ स्टूडेंट्स लोग क्वेरीज के लिए हम लोग को क्वेश्चन कुछ कुछ बार बार कॉल आते रहते हैं। तो हम लोग का तरफ से स्टूडेंट्स लोगों को फर्स्ट एक अपील करना चाहेगा कि काइंडली आप आपसू का जो पेज है 2022 एंड 2025 उसको आप लोग फॉलो कीजिए। उसमें हम लोग जो भी हम लोग का जो रिगार्डिंग दिस अरुण विद्या स्कॉलरशिप का कुछ भी अपडेट होता है तो हम लोग वहाँ पे अपलोड कर देता है। एंड देन सो हमारा यहाँ पे जो अभी रिसेंटली हम लोग कल परसों एक ये एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन निकला था रिगार्डिंग हमारा जो जितना भी एप्लीकेंट है। सो टोटल वी हैव 1453 एप्लीकेंट जो ये स्कॉलरशिप में अवेल करने के लिए अपना नाम एनरोल किया है। सो उस लोगों में यही बताना चाहूँगा कि जो हम लोग का फॉर्म में जो दिया था एक्सटेंशन ऑफ जो हम लोग का एंट्रेंस टेस्ट हम लोग जो क्वालिफाइड टेस्ट रखा था वो 18 को रखा था, लेकिन ड्यू टू कुछ टेक्निकल एरर का वजह से तो उसको हम लोग संडे में रखा है, एंट्रेंस टेस्ट को संडे में रखा है, तो 18 से एक्सटेंड होकर ये संडे को हो गया। एंड देन पॉइंट नंबर टू ये है कि स्टूडेंट्स लोगों ये भी एक अपील करना चाहेगा कि इन्फॉर्मेशन देना चाहेगा कि 18 यानी कि कल टुमोरो 18 से 19 तक देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज का जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे हम लोग का 9 बजे से लेकर 4 बजे तक आप लोग का एडमिट कार्ड दिया जाएगा। सब जितना भी एप्लीकेंट भले वो जी का हो, नीट का हो, आपका APSSB, UPSC एंड देन APSC उसका जो भी है वो सब पूरा एक साथ में एडमिट कार्ड वहाँ पे दिया जाएगा। एंड देन स्टूडेंट्स लोग का और भी एक क्योरीज है कि कौन सा पैटर्न में आएगा सिलेबस, स्टडी सिलेबस, तो हम लोग फेसबुक में तो ऑलरेडी सर्कुलेट कर चुका है अपना पेज पे। सो फिर भी मैं बताना चाहूँगा UPSC एंड APCS का जो एग्ज़ाम है तो उसका जो क्वेश्चन पैटर्न होगा जनरल स्टडीज NCSET और उसका टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स एंड टोटल मार्क रहेगा 200 मार्क। एंड जो APSSB है वो कोर्स के लिए जो सिलेबस रहेगा जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश एंड एलिमेंट्री मैथ्स वो 2 घंटा का रहेगा और मार्क रहेगा 300 का। नीट का, नीट में जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी तो उसको मिला के जो 11-12 का जो स्टैंडर्ड है उसमें क्वेश्चन पेपर काटा जाएगा। इसका टाइम बोन है 3 आवर्स एंड टोटल मार्क होगा 360 मार्क का। एंड जो जेई का है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स वो भी 11 एंड 12 का स्टैंडर्ड में उसको दिया जाएगा वो सिलेबस को जो क्वेश्चन कटेगा। एंड देन इसका टाइम बोन है 2 आवर्स एंड इसका टोटल मार्क है 120 मार्क्स। सो इतना ही है अभी तक का हम लोग का जो अपडेट। सो स्टूडेंट्स लोग भी बार बार पूछते रहते हैं, हम फिर से अपील करना चाहेगा काइंडली आपसू का जो पेज है ऑफिशियल पेज फेसबुक पेज पे आप लोग जाके देखिए, किसी को पजल होता है तो वहाँ में स्क्रॉल कीजिए, आपको वहाँ पे जितना भी हम लोग का रिगार्डिंग दिस स्कॉलरशिप आपको वहाँ पे डिटेल्स पूरा मिल जाएगा। और जिसे आपने बताया कि कल से यानी कि 18 अक्टूबर को आप लोग एडमिट कार्ड इशू करेंगे, लेकिन सवाल रहेगा कि जस्ट इन केस अगर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 1400 लोग ने एप्लीकेशन सबमिट किया, तो जस्ट अगर उन लोग मिस आउट हो जाता है कल तो उन लोग कैसे उनका एडमिट कार्ड को उन लोग रिसीव करेंगे, क्योंकि जैसे आपने बताया कि एग्जामिनेशन जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसको आप लोगों ने 23 अक्टूबर को रखा है, तो कैसे उन लोग जो मिस करेंगे उन लोग कहीं से जरिया है?
देखिए हम लोग एक स्टूडेंट संगठन है, सब पता है, एंड हम लोग के साथ में दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम, तो कहीं थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो जाता है, एंड देन तो उसमें आप लोग हम लोग को माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसमें एक्सपर्ट नहीं है। सो हम लोग का एक ही सोर्सेस है, दैट इज़ ऑफलाइन कलेक्शन ऑफ एडमिट कार्ड, वो भी आपका देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज पे ही होगा। सो एक दिन के लिए दो दिन के लिए 18 एंड 19 दो दिन के लिए 18 एंड 19 ऑडिटोरियम पे होगा, तो काइंडली वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। और कुछ प्रॉब्लम्स रहता है तो आप जो इंस्टीट्यूट में आप लोग फॉर्म सबमिट कराया है, सो वहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एडमिट कार्ड कहाँ पे इशू हो रहा है। एंड देन जो स्टूडेंट्स नहीं आए, देखिए हम लोग का यहाँ में एक चीज़ है कि हम लोग का एक भी रिजेक्टेड एप्लीकेंट नहीं है। कुछ कुछ लोग ऐसा था कि बहुत सा 150+ स्टूडेंट्स लोग अपना कोर्स में टिक करना था लेकिन नहीं किया, कुछ कुछ चीज डॉक्यूमेंट्स देना था नहीं दिया, लेकिन भी हम लोग इतना दूर से स्टूडेंट लोग मेहनत करके एप्लीकेंट जमा किया है, तो हम लोग किसी को रिजेक्ट नहीं किया है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग का जैसा जिस कोर्स में अप्लाई किया है उसका एडमिट कार्ड आप सबको मिलेगा। एंड देन हम लोग का जो यहाँ पे मेम्बर है रासुक यादी, वो अपना तरफ से भी उस दिन सबको फ़ोन करके जो रिजेक्टेड वाला को फ़ोन करके बता दिया। सो ऐसा है। एंड देन मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमारा अपसू का वुमेन विंग सेल का जो वाइस प्रेसिडेंट है मैंने बगंग, एंड देन ये लोग दोनों मिलकर ये चीज़ को पूरा देख रहा है। एंड देन जो कुछ क्वारीज होता है तो हम जैसा बताया, आप एक बार इंस्टीट्यूशन वाला से भी पूछिए या फिर अपसू पेज में काइंडली फॉलो कीजिए उसको। और जैसे आपने बता तो दिया है कि कौन सा, जैसे जो सिविल सर्वेंट जो सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहा है उनका फॉर्मेट क्या होगा, क्वालिफाइंग का, वो सब बता दिया, लेकिन कौन इसे चेक करने वाला है, आप लोग ने कोई डिसाइड करके रखा है इसमें? जी, इसमें चेक करेगा तो जो एक्सपर्ट है, जैसे टीचर्स लोग जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स लोगों स्ट्रीम्स लोगों लेगा, सो वो लोग की इसमें जो भी रिजल्ट का जो क्वालिफाइड टेस्ट का जो भी चेक होगा वो थ्रू एक टीचर्स का थ्रू से ही किया जाएगा उसको। और जैसे 23 अक्टूबर को एग्जाम हो जाएगा तो उसका रिजल्ट अनाउंसमेंट का कुछ आप लोग ने डेट फिक्स किया है? ऐसा अभी तो देखिए हम लोग के साथ में उसको हम लोग मैनुअली चेक कर रहा है, करेगा बोल कर रहा है, क्योंकि ओएमआर सीट का जो सिस्टम होता है उसमें सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट विद इन एन आवर्स का अंदर में आप लोग निकल जाता है, लेकिन हम लोग इसको मैनुअली चेक कर रहा है ताकि देखने के लिए कि कैसा जा रहा है बोल के। सो और हमारे पास में इतना वो सोर्सेस भी नहीं है कि हम लोग उसको कुछ एक वो कर ले, विद इन एक दो दिन का अंदर में हम लोग जल्द से कोशिश करेगा कि रिजल्ट को विद इन एक दो दिन का अंदर में ही निकालने के लिए। सो उसके लिए आप लोग फिर आपसू पेज में रहिए, जो इलेक्टेड जो सेलेक्ट हो जाता है उसके। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, मैंने उस दिन भी रखा था, जैसे आप लोग की तरफ से जो इतना अच्छा एक नोबल कोर्स आप लोगों ने स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, वो बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है, लेकिन अभी फिर से वही सेम सवाल रहेगा, कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन को आप लोग ने अभी मतलब अपने ये जो कोर्स अगर पास हो जाता है तो कहाँ कहाँ पे उन्हें होगा, वो चीज़ को आप लोगों ने डिसाइड किया फाइनली? जी ऐसा है, देखिए हम लोग का जो डाटा जो है इंस्टीट्यूशन का, कोचिंग इंस्टीट्यूशन का, तो वो मोर देन 28-30 सीट्स का अंदर पे है, तो जो कुछ कुछ ऐसा है कि कोचिंग क्लासेस है लेकिन उसमें टीचर्स नहीं है, अभी कहीं में ऑफ सीजन है तो इसलिए वहाँ क्लास नहीं चल रहा, तो ओसाला को हम लोग हटा के सो बहुत सा इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आपका सक्सेस पॉइंट है, IBE है, पोटोन है, एंड पाई एकेडमी है, लोरियल हो गया नाहरलगन, स्पेक्ट्रम है, इस प्रकार का बहुत सा इंस्टीट्यूट है जो जुड़ा हुआ है इसमें। सो हम लोग उसको जब आप लोग का क्वालिफाई होगा उसमें हम लोग एक चार्ट रख देगा कि क्या क्या है उसमें सीट। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड फिर से आप सबको अप्रिशिएट करना चाहूँगी, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव के साथ आप लोग आए हैं, जो भी जो वेल टू डू फैमिली से नहीं, अच्छा इनिशिएटिव है, और अच्छे ऐसे ही काम करते रहे, वही विश करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।